ये ऑनलाइन चैट बॉक्स भी बड़ा अजीब सा है। न ये समझता ग्रीन डॉट के इधर क्या है, और न ये समझने देता ग्रीन डॉट के उधर क्या है। वहां मैसेज का वेट हो रहा है या टाइप किसी और के लिए। सच में अजीब है ना किसी से ऑनलाइन बातें करना। ये पता ही नहीं होता कि वो तुमसे बात कर रहा है या बस वो तुमसे बात कर रहा है। और बातों के मतलब बड़े बड़े होते हैं, और हकीकत उस चैट बॉक्स जितनी छोटी। ना बाद में वो बात याद रहती, वो शायद ना बात करने वाला। क्योंकि दिन बदलते हैं, चैट बॉक्स के उधर चैट करने वाले दिल बदलते हैं। लेकिन एक बात कॉमन रहती है, पता है क्या? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स की ग्रीन डॉट, जिसे ना उधर का पता होता और ना इधर का। मैं अक्सर उसे ऑनलाइन देख के मैसेज कर दिया करता था, ये सोच के कि उससे पहले मैं ही कर दूं। और फिर क्यों ना सोचता, उसको ऑनलाइन आए आधा घंटा होने को आया था। शुरू के कुछ मिनट्स तो सोचा कि पोस्ट रीड कर रहे होंगे, शायद थोड़ी देर बाद फ्री होके मैसेज आएगा। मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा चैट बॉक्स खुला हुआ था, जिसके टॉप लेफ्ट साइड पर एक ग्रीन डॉट थी। ये पहली दफा नहीं था कि उस चैट बॉक्स के उस साइड से कोई मैसेज नहीं आया हो ग्रीन डॉट के होते हुए। ऐसा लगभग अब बार बार होना शुरू हो गया था, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ग्रीन डॉट के उधर मैसेज का वेट हो रहा है या किसी और के लिए टाइप। लेकिन अगले दिन भी मैं ही मैसेज कर दिया करता था। मैं बेचैन हूं ना, ये भी मुझे सामने वाले इंसान से पता चला जिसके लिए बेचैन होता था। अब वो सवाल पूछता है कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं, और मुझे उसके इस सवाल के जवाब में बस उसकी आंखें, उसकी बातें, उससे मोहब्बत याद आती थी, जिस जवाब से शायद वो इंसान अब थोड़ा कम खुश रहने लगा था। फिर धीरे धीरे डॉट के उस पार से मैसेज आने जैसे बंद से हो गए, और ग्रीन डॉट के इस तरफ एक अलग ही तूफान शुरू, जिस तूफान को न ठहरना आता है और न शायद किसी को बर्बाद करना। फिर एक दिन हुआ यूं कि वो चैट बॉक्स नाराज हो गया और चला गया मेरे शहर से। न वो ग्रीन डॉट दिखाई देती जिसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जिसको देख के मैं बेचैन तो होता था। अब उस ग्रीन डॉट की याद बहुत आती है, कम से कम वो शहर में तो था। शायद ब्लॉक कर दिया होगा चैट बॉक्स के उस साइड रहने वाले इंसान ने। शायद दिन बदले, दिल बदल गए। शायद चैट बॉक्स की बातें चैट बॉक्स जितनी छोटी हो गई। शायद ग्रीन डॉट मुझसे नाराज हो गई। अजीब है ना किसी से ऑनलाइन बातें करना।